तीनों बहुत बुरी तरह से मारते मुझे, बहुत बुरी तरह से, विशेष बुरी तरह से पिटाई करते मेरी। 25% केस ऐसे आए हैं कि जिनके बच्चों ने उन्हें मारपीट करके घर से निकाला। बच्चे दो दो हैं, कोई रखने वाला नहीं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि साहब इलाज कराने के नाम से लाए और रोड पर छोड़ के भाग गए। जब इस तरह से हम उनके सामने सुनते हैं, ऐसा दुख होता है कि जिस माँ बाप ने पैदा किया, इतना बड़ा किया, और वो बच्चे उन्हें मारते हैं। कई बार मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रामलाल वृद्ध आश्रम वृद्धों का एक ऐसा माता पिता सेवा आश्रम बन गया है कि यहाँ जो भी वृद्ध आते हैं वो कोई न कोई उम्मीद लेकर के आते हैं। आश्रम में इस समय 350 से अधिक वृद्ध माता पिता निवास रहते हैं। वृद्ध आश्रम में वृद्ध माता पिता की सेवा का परिपूर्ण इंतजाम है। यहाँ इन्हें निःशुल्क रहना, खाना, कपड़ा लत्ता, इलाज की व्यवस्था की जाती है। वृद्ध आश्रम में दिनों दिन वृद्ध माता पिता की बढ़ती हुई संख्या से हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि फंड्स की दिनों दिन कमी होती जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा खाने पीने की जो व्यवस्था करनी होती है उसके लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, वॉकर की आवश्यकता पड़ती है, व्हीलचेयर की आवश्यकता पड़ती है, और उससे भी ज्यादा अधिक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि रामलाल वृद्ध आश्रम को तन मन धन से सहयोग करें और रामलाल वृद्ध आश्रम के सेवा कार्यों में मदद करें।